गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए डिजाइनर सूट कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊंगी। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए ये हमने फैब्रिक लिया है और इसको हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है और ये हमारी पूरी टोटल बंद साइड है। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारा यहाँ पर इतना ही देखिए थोड़ा सा फैब्रिक कम है तो हम यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर मार्जिन में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर इसकी लेंथ बता देती हूँ। इसकी लेंथ यहाँ पर 16.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ मेज़र करके। ये देखिए हमने यहाँ पर 15 इंच लिया है। 15 को अगर हम डबल करेंगे तो हमारा टोटल 30 इंच आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने डबल फोल्ड है तो ये हमारा सिलर के 4 फोल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऐसे करके अपने सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्क लगाना है अपने शोल्डर का। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम इसको सबसे पहले अपने फैब्रिक को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और उस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे स्क्रीन की हेल्प से। और उस निशान को सीधा करने के बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे चेस्ट का। हम यहाँ पर चेस्ट रखेंगे 11 इंच। हमारा जो बेबी है वो थोड़ा हेल्थी है इसलिए हम यहाँ पर इतना साइज ले रहे हैं। अगर आपका बेबी पतला है तो आप यहाँ पर 1-1 इंच कम कर सकते हैं। अगर हैवी थोड़ा हैवी है तो आप इस मार्जिन इस नाप से बना सकते हैं, बिल्कुल फिट आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर 1 इंच का हमारे मार्जिन दे देते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और कमर का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर रखा है चेस्ट 5.5 इंच, कमर रखेंगे हम 5 इंच और 1 इंच का आगे मार्जिन दे देंगे और यहाँ पर हिप भी हम अपना 5.5 इंच रखेंगे और ऐसे ही 1 इंच का आगे 1/2 इंच का आगे मार्जिन देंगे। हम नीचे हिप में ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। और फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर मार्किंग को मिला लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और नीचे से यहाँ पर हम इसका पल्ला इतना ही रखेंगे जितना हमारा ऊपर से हिप है। ये देखिए हम यहाँ पर इसका पल्ला 11 इंच रखेंगे और 1/2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन दे देंगे। और फ्रेंड्स फिर यहाँ पर इसके निशान को फिर सीधा कर लेते हैं स्केल की हेल्प से और यहाँ पर ऐसे करके गोलाई दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सूट की कटिंग हो ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें यहाँ पर कोई भी फालतू मार्जिन की कटिंग नहीं करनी है। जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है हमें यहाँ पर उस पर ही कटिंग करते चले जाना है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए देखिए हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 3 इंच। फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हम ऐसे करके गोलाई दे देंगे। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से 3 इंच रखा है। पीछे से हम यहाँ पर 1/2 इंच कम रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे पीछे का गला और यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम पीछे के गले की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर पीछे के गले की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने एक पार्ट को निकाल देंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद ये देखिए हम यहाँ पर आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके ओपन करेंगे सूट को और देखिए ये हमारे आगे की गले की कटिंग है और ये हमारे पीछे की गले की कटिंग है। मैं आपको यहाँ पर ऐसे करके रख के दिखा देती हूँ, आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा सही से। देखिए हमारा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा यहाँ पर आगे का गला इतना है, 1/2 इंच बड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम
स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको साइज रखते हैं और देखिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, इसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कट कर लिया था। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके फोर फोल्ड कर लिया है और ये हमारी बन साइड है। और फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना होगा, मैं आपको उसको यहाँ पर लेंथ बता देती हूँ। हमने यहाँ पर इसकी लेंथ 9 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब यहाँ पर हम स्लीव कट करेंगे, हमें यहाँ पर ऐसे करके हल्की सी गोलाई दे देनी है। और ये देखिए नीचे से हम यहाँ पर मोरी 3 इंच रखेंगे और 1 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन देंगे। और यहाँ पर हम ऐसे करके इसको मिला लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे आप कोई भी फालतू मार्जिन नहीं लिया है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कर लेते हैं अपनी स्लीव की कटिंग फटाफट से। और फ्रेंड्स यहाँ पर स्लीव की कटिंग करने के बाद एक कट यहाँ पर लगा लेंगे जिससे हमें पता रहेगा ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा है। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो आर्म होल आएगा वो 5 इंच का आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5 इंच हमारा यहाँ पर आ गया और 1 इंच हमारा आगे मार्जिन के लिए चला गया। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इक्वल है, हमें यहाँ पर कोई भी फालतू मार्जिन हमने यहाँ पर नहीं रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और नीचे से हम यहाँ से इसको ऐसे करके बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर अपने सूट बनाने सूट हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने सूट को उठाते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा यहाँ पर सूट है, हमें यहाँ पर इसके गले में पाइपिंग बनानी है, पट्टी बनानी है। सॉरी मैंने पाइपिंग बोल दिया गलती से आपको। देखिए मैंने यहाँ पर ये रेप की पट्टी ली है और मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पर हमें रेप की पट्टी का यूज़ कैसे करना होगा ये देखिए, ये हमारे सूट की सीधी साइड है, हमें यहाँ पर उल्टी साइड से पट्टी लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर ऐसे करके पट्टी को रखेंगे और देखिए ये हमारे सूट की उल्टी साइड है। आपको यहाँ पर चौक से निशान भी दिखाई दे रहा होगा। ऐसे करके हमें ये पट्टी यहाँ पर ऐसे करके गोलाई में लगानी है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ऐसे ही अपने दोनों नेक में रेप की पट्टी को लगा लेना है। चलिए इतना करते हैं गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पर गले में पट्टी लगा ली है और मैंने यहाँ पर कट भी लगा लिए हैं। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम अपनी पट्टी को यहाँ पर ऐसे करके लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हम यहाँ पर अपनी पट्टी को ऐसे करके लेंगे, ये देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें थोड़ी चौड़ी पट्टी ऐसे करके बना लेनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसको पट्टी को ऐसे करने के बाद हमें इसको आगे की तरफ ऐसे करके पलट देना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। चलिए फ्रेंड्स ऐसे करके हम यहाँ पर पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं दोनों पार्ट में अपने। ये देखिए हमने यहाँ पर पट्टी लगा ली है आगे की तरफ और ऐसे ही मैंने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट में ये देखिए पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करके उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे शोल्डर पे। चलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर में सिलाई लगा ली और मैंने यहाँ पर फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं। हमने यहाँ से चेस्ट 11.5 इंच रखा है, कमर 10 इंच रखी है और हिप भी हमने यहाँ पर 11.5 इंच रखा है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ से फिटिंग का निशान 6.5 इंच रखा है, दोनों साइड से ऐसे 6.5 इंच रखा है। फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अब यहाँ पर हम नीचे पट्टी लगाएंगे। सो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सूट सीधा करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अपने चाके देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस के अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए हैं। हम इसको यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी प्रेस से फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की पट्टी ली है और मैं इसको यहाँ पर प्रेस से ही देखिए ऐसे करके फोल्ड कर लिया है। हमने यहाँ पर इसको फोल्ड करने के बाद ये देखिए इसको जिस तरह से पट्टी बना ली है, अब यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करना होगा, इसको यहाँ से हम ऐसे करके बारीक फोल्ड कर लेंगे अपने चाक को और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे करके पट्टी लगा लेनी है इस साइड, और ऐसे देखिए मैंने यहाँ पर 2-3 स्ट्रिप्स बनाई हैं और इस साइड। और फ्रेंड्स यहाँ पर पट्टी लगाने के बाद ये देखिए हमें यहाँ पर हमें नीचे पल्ले में क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर प्रेस से सेट कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर भी पट्टी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम आगे अपने आगे वाले पल्ले में ऐसे करके यहाँ पर पट्टी लगा लेते हैं।
गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी लगा ली है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर आगे लगाई है और ऐसे ही मैंने यहाँ पर पीछे पट्टी लगा ली है। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारा यहाँ पर सूट बनकर रेडी हो चुका है, हम यहाँ पर स्लीव्स बनाएंगे। सो फ्रेंड्स इसको रखते हैं साइड में और देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स ली है और मैंने नीचे से यहाँ से इसके बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पर इसके बॉटम को फोल्ड कर लिया है, यहाँ पर हम बीच में एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए इतनी पतली इलास्टिक लेनी है और उसको यहाँ पर ऐसे करके खींच कर लगा देना है। हमें यहाँ पर इलास्टिक का कोई भी मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ इसको हमको यहाँ पर ऐसे करके रखना है और उसको जितना हो सके उतना खींच कर ऐसे खींच कर ये देखिए यहाँ तक लगा देना है। और फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अपने स्लीव्स को ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर ऐसे फिटिंग का निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी फिटिंग का निशान लगा लिया है, हमने फिटिंग का निशान यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि जब यहाँ पर हम यहाँ पर इलास्टिक लगा लेंगे तो हमारे यहाँ से थोड़ा उबड़ खाबड़ तो हो जाएगा, इस पर नहीं बैठेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इलास्टिक लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए ऐसे करके यहाँ पर हम अपनी स्लीव को रेडी कर लेते हैं, यहाँ पर इलास्टिक लगाते हैं और फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अब यहाँ पर मैं स्लीव्स को ऐसे करके सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे स्लीव्स बनने के बाद कुछ इस टाइप से डिजाइन आया है, ये देखिए अब यहाँ पर हम अपने स्लीव्स को अपने सूट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ से हम ऐसे करके ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर आर्म बोन को पकड़ेंगे और ऐसे करके सिलाई से सिलाई को मिलाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके सूट को अंदर की तरफ पलट लेंगे। और देखिए यहाँ पर इसको पलटने के बाद हम इसको यहाँ से सेट कर लेंगे और यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड्स ऐसे करके हम यहाँ पर अपने दोनों बाजू में सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स लगा ली हैं और हमारा सूट बन करके रेडी है। मैं यहाँ पर आपको स्लीव्स का गेटअप दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा स्लीव्स का गेटअप कुछ इस टाइप से आया है और ये देखिए गाइस हमारा यहाँ पर पूरा सूट बन करके रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।